स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द ड्रग एंटी अल्सर ड्रग्स, या हम कह सकते हैं ड्रग यूज फॉर द पेप्टिक अल्सर। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमने ड्रग एंटी अल्सर ड्रग्स पार्ट फर्स्ट एंड एंटी अल्सर ड्रग पार्ट सेकेंड, यानी एंटी अल्सर पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकेंड में। पार्ट फर्स्ट में हम बेसिकली क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्सर है जिसको आपको देखेंगे, और साथ में फार्माकोलॉजी ऑफ पेनिसिलिन। और पार्ट सेकंड में आपका दो ड्रग और आ जाएंगे, ओमिप्राजोल्स और आपका एंटासिड। तो ओमिप्राजोल और एंटासिड को हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। नाउ पहले बात करते हैं व्हाट इज द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज अल्सरेशन ऑफ दोज पार्ट ऑफ द जीआईटी व्हिच एक्सपोज डायरेक्टली टू द गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिंस, यानी कि हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, गैस्ट्रिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, स्टमक रिलीज होता है, वो ब्रेकडाउन करता है हमारी फूड को, ठीक है। इसके अलावा पेप्सिन का रिलीज होता है जो ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन्स के लिए। तो जब एक्सेसिव अमाउंट में जब हमारा गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन कंटिन्यू आपका रिलीज हो रहा है और वो कंटिन्यू हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा से कंटिन्यू एक्सपोज हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है म्यूकोसा में अल्सरेशन हो जाता है। उस टाइप के अल्सरेशन को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन बोथ, ठीक है। पेप्टिक अल्सर आर टू टाइप, दो टाइप के पेप्टिक अल्सर है। एक आपका ड्यूडेनियम गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनियम अल्सर, दो टाइप के अल्सर रहेंगे। क्या क्या आपका गैस्ट्रिक अल्सर और एक आपका ड्यूडेनियम अल्सर, यानी जो आपका गैस्ट्रिक पार्ट में हो रहा है यानी स्टमक पार्ट में अल्सर हो रहा है तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोल देते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियम पार्ट है उसमें अगर अल्सर हो रहा है तो ड्यूडेनियम अल्सर को देते हैं। अब आते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्यों है। पेप्टिक अल्सर इज अकर ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर्स, अग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर। अग्रेसिव फैक्टर वो हैं जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट गैस्ट्रिक एसिड रिलीज को बढ़ाते हैं, और डिफेंसिव फैक्टर वो हैं जो गैस्ट्रिक रिलीज को कम कर रहे हैं या हमारे म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी म्यूकोसा को डैमेज करने वाले जितने फैक्टर हैं वो सब क्या हो गए, अग्रेसिव फैक्टर हो गए। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो म्यूकोसा को जो प्रोटेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो क्या, वो डिफेंसिव फैक्टर हो गए। तो पेप्टिक अल्सर कब होगा, जब एग्रेसिव फैक्टर आर गैस्ट्रिक एसिड पेप्सिन एंड बाइल्स एंड एच पाइलोराई बैक्टीरिया। तो एग्रेसिव फैक्टर की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक एसिड होगा, पेप्सिन है, बाइल है जो बाइल रिलीज होता है, इसके अलावा एच पाइलोराई बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया है, ये सभी क्या कहते हैं एग्रेसिव फैक्टर काम करते हैं। और डिफेंसिव फैक्टर क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, बाइकार्बोनेट सीक्रेशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, बोथ, ये तीनों आपके क्या हैं, डिफेंसिव फैक्टर्स हैं, या ठीक है। अब होता क्या है कि जब एग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं डिफेंसिव फैक्टर कम हो जाते हैं, तो एग्रेसिव फैक्टर के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, अल्सरेशन हो जाता है। अगर दोनों ये एग्रेसिव फैक्टर डिफेंसिव फैक्टर बराबर मात्रा में बने रहेंगे, एक दूसरे बराबर क्वांटिटी में होंगे, तो चांसेस ऑफ अल्सरेशन कम ही होते हैं। लेकिन जब मैन द एग्रेसिव फैक्टर इज मोर देन डिफेंसिव फैक्टर, द चांसेस ऑफ पेप्टिक अल्सर इज इन मोर, ठीक है। तो इस तरीके से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब बात करते हैं हम एंटी अल्सर ड्रग की, या ड्रग यूज़ फॉर द अल्सर। दीज आर द ड्रग यूज़ जो है जितनी भी एंटी अल्सर ड्रग है वो यूज़ होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनियम अल्सर, मोस्टली यूज़ होती हैं। क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से है। पहला क्लासिफिकेशन फर्स्ट आती है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। जो ड्रग अब हमारे पास में, इसमें दो तीन तरीके से हम काम कर सकते हैं अल्सरेशन कम करने, या तो हम गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन कम कर दें, या हम क्या करें वहाँ पर एसिडिटी को कम कर दें। तो पहला काम क्या है कि हम रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन कम कैसे करते हैं, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को, फर्स्ट इज द H2 ब्लॉकर। हमने आप पहले भी पढ़ा था हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में, आपको बताया था हिस्टामिन रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर हमने वहाँ पढ़े थे जब जिसमें हमने सिट्राजिन यूट्राजिन पढ़े थे। सिट्राजिन क्या होती थी, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जितनी एलर्जिक रिएक्शन होती हैं वो हिस्टामिन के कारण, जब हिस्टामिन के कारण जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं। जबकि H2 रिसेप्टर जो होता है वो आपका मेली स्टमक प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द H2 रिसेप्टर मोस्ट रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। इससे अगर हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो चांसेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कम हो जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होना कम हो जाएगा। H2 ब्लॉकर कौन कौन से, सिमेटिडीन है, रेंडेडीन है, फोमेटिडीन है, लॉक्सिटिडीन है, जिसे हम जिनटेक लेते हैं। जिनटेक में क्या है, रेंडेडीन कंटेंट होता है जो H2 ब्लॉकर को ब्लॉक कर देता है, जिससे रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कम हो जाता है, ठीक है। तो सिमेटिडीन, रेंडेडीन, फोमेटिडीन, लॉक्सिटिडीन और वो था चारों क्या है, H2 ब्लॉकर है। H2 रिसेप्टर को हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि हिस्टामिन का एक्शन उस पर नहीं प्रोड्यूस होगा और गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होना कम हो जाता है, यानी रिलीज ऑफ एसिड कम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर के लास्ट यूनिट होती है जहाँ पर एसिटेट कंटेंट फॉर्म होता है, रिलीज होता है। तो जो प्रोटॉन पम्प होता है वो अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो रिलीज ऑफ एसिड एंड प्रोडक्शन ऑफ एसिड बोथ आपके बंद हो जाएंगे। तो वो ड्रग कौन सी है, ओमिप्राजोल है, इसमोप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, डेक्सामेथासोन है। ये सभी ड्रग क्या कर देती हैं, प्रोटॉन पम्प को इनहिबिट कर देती हैं। और प्रोटॉन पम्प इनहिबिट होने से गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन भी नहीं होता है और गैसिड रिलीज भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हमने पहले ही पढ़ाया था, जितनी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं गैस्ट्रिक सेक्रेशन या कितनी पूरी बॉडी की सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या, वो सेक्रेशन को कम करेंगे, चाहे वो गैस्ट्रिक का हो चाहे पेप्सिन का हो, जैसे पेरिंजिपिन है, प्रोपेंथिलीन है, ऑक्सीफ्लोनियम है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस मिसोप्रोस्टोल, इट इज आल्सो इन डिक्रीज द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट सेक्रेशन को ये बढ़ा देते हैं और एसिड सेक्रेशन कम कर देते हैं, जो हेल्पफुल होता है किसमें, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में। अब सेकंड बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब जो गैस्ट्रिक एसिड हमारे स्टमक में है उसको हम न्यूट्रलाइज करें, दूसरा तरीका ये होता है। तो उसको हम करते हैं किसके, विद द हेल्प ऑफ एंटा एसिड। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक यानी कि जो हम आईवी रूट से या आईवी इन्फ्यूजन से थोड़ा, जब वो सिस्टमेटिक जितने भी एंटा एसिड होंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, आपके ब्लड के सर्कुलेशन में पहुँचेंगे। जबकि नॉन सिस्टमेटिक होते हैं ब्लड के सर्कुलेशन ना पहुँच के केवल स्टमक में आपके पहुँचेंगे, स्टमक में ही न्यूट्रलाइजेशन करेंगे एसिड को। ये मतलब सिस्टमिक एंटा एसिड रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, बट नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड नॉट रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इट इज ओनली गिव द एक्शन इन द स्टमक। यानी कि नॉन सिस्टमेटिक जो भी आपके एंटा एसिड हैं वो ओनली एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे स्टमक में, लेकिन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में नहीं पहुँचते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक में। क्लियर। तो सिस्टमिक एंटा एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट है, जिसे हम इन्फ्यूज भी कर सकते हैं, बाय द इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है। नॉन सिस्टमेटिक को हम केवल ओरल रूट से देंगे, वो स्टमक में न्यूट्रलाइज करेंगे, ब्लड में नहीं पहुँचते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुँचते। नॉन सिस्टमेटिक में क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नेटो कैल्शियम कार्बोनेट और मैगल्ड्रेट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड पर, अल्सर प्रोटेक्टिव। जो अल्सर प्रोटेक्टिव यानी अल्सर होने से रोकेंगे या एसिड कंटेंट को म्यूकोसा से एक्सपोज होने को रोकेंगे, एक बैरियर का काम करते हैं, बैरियर बना लेते हैं, जैसे एसिड म्यूकोसा के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता या टच नहीं हो पाता है बीच में एक बैरियर बनने की वजह से। तो सुक्राल फूड है, सुक्राल फेट, क्लोराइडल बेसमेंट सब्सिट्रेट, ये क्या करते हैं, ये एसिड और गैस्ट्रिक म्यूकोसा के बीच में एक बैरियर बना देते हैं, एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का या पेप्सिन का अटैक उस गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे नहीं हो पाता है, तो डैमेजिंग नहीं हो पाती है और हल्के हल्के वो हीलिंग होना शुरू हो जाती है। लास्ट पर इज द एंटी एच पाइलोराई ड्रग्स होती हैं, यानी कि एच पाइलोराई बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट जो है, हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरह की रिएक्शन प्रोड्यूस करता है कि इसके चारों तरफ इसकी वजह से क्या होता है, इसके चारों तरफ एक इन्वायरमेंट बनता है जो बेसिक इन्वायरमेंट फॉर्म करता है, और बेसिक इन्वायरमेंट के फॉर्म करने की वजह से इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो जाता है, जो अल्सरेशन कॉज करता है। तो जो इसको, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए अमोक्सिलिन है, कैलिथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल है, टीनाडाजोल है, टेट्रासाइक्लिन, ये सब हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जब ये बैक्टीरिया किल हो जाता है तो चांसेस ऑफ गैस्ट्रिक रिलीज भी कम हो जाता है, ऑटोमेटिक ये अल्सर प्रोटेक्टिव एक्शन देते हैं। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अब यहाँ से हम समझ सकते हैं ये आपके क्या है, ये जो है ये आपकी वो है आपकी जो एक गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो पैरेटल सेल्स है, और पैरेटल सेल्स गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स से क्या होता है, एसिड कंटेंट रिलीज होता है। अब होता कैसे है, अब मैं थोड़ा सा इसको मैं कहीं समझा सकता हूँ आपको। जैसे हमने कोई फूड कंटेंट देखा, फूड देखने के बाद वो हमारे को सिग्नल में ब्रेन में गया, ब्रेन में जाने के बाद में क्या होगा, हमारा ब्रेन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन यानी कि पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करने पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन क्या होगा, मेली मस्कुलिन रिसेप्टर पर जाके एक्ट होगा, और मस्कुलिन रिसेप्टर से होते हुए एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होगा तो एसिटाइल कोलिन जब होगा वो किस पे, गैस्ट्रिन रिसेप्टर या गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट होगा, और साथ में ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर डायरेक्टली जाके M3 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वहाँ पर इंटरेक्ट होगा, और इनकी वजह से क्या होगा, एसिड का प्रोडक्शन, एसिड का रिलीज कंटिन्यू बढ़ जाएगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर फूड हमने देखा, फूड देखने के बाद में इसका वजह से क्या होता है कि हमारी जो गैस्ट्रिनोसाइट्स है वो एक्टिव हो जाती है, और गैस्ट्रिन से गैस्ट्रिन हार्मोन मतलब रिलीज होता है
जो CK2 रिसेप्टर पे एक्ट होता है, और ये इसकी वजह से प्रोटॉन बम एक्टिवेट हो जाता है और एसिड रिलीज बढ़ जाता है, सेकंड मैकेनिज्म। ठीक है, थर्ड मैकेनिज्म क्या है? बाय द हिस्टामिन। हिस्टामिन आपका रिलीज ड्यू टू द एसिटाइलकोलाइन भी रिलीज होता है और गैस्ट्रिन की वजह से रिलीज होता है। गैस्ट्रिन रिलीज करेगा तभी हिस्टामिनोसाइट एक्टिवेट हो रही है, और एसिटाइलकोलाइन की वजह से मस्कुलिन रिसेप्टर एक्ट होगा तो हिस्टामिनोसाइट एक्टिव हो जाती है। और हिस्टामिनोसाइट से क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है जो डायरेक्टली क्या एस2 रिसेप्टर पर एक्ट करता है। एस2 रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन बम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर रिलीज ऑफ एसिटिक एसिड रिलीज हो जाता है। तो यानी कि अब जो मेन जड़ है वो ये है, क्या है, प्रोटॉन पम्प। अगर प्रोटॉन पम्प को इनहिबिट कर दूँ तो एसिड बनेगा भी नहीं और रिलीज भी नहीं होगा। या हम ये करें कि उनके सप्रेशन, जैसे S2 ब्लॉकर हम देते हैं तो S2 ब्लॉकर इसको ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि S2 ब्लॉकर होने से क्या होगा, एसिड रिलीज कुछ मात्रा में कम हो जाता है। इसी तरीके से एंटीकोलिनर्जिक यहाँ पर एक्ट होंगे तो उनको कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पैथोजेनिक तरह से मैकेनिज्म हो जाएगी जिसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम